जिंदगी वो दरिया है जिसकी तेज नहरों में आदमी को बहना है। आने जाने वाले सब मौसमों में रहना है, मौसमों में रहना है। वक्त की अंधेरी पर आसमाने जो लिखा तारना नगर चाहे फिर भी टल नहीं सकता। दूसरा कोई भी हो आदमी की किस्मत का रुख बदल नहीं सकता, साथ चल नहीं सकता। जिंदगी वो दरिया है, विशाल ने अपने बाप का बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। यारा, तूने विशाल को अपने कारोबार में शामिल करने के लिए उसे मजबूर किया है। थैंक यू मैडम। सिमरन। थैंक यू सिमरन जी। सुनिए, आपकी फाइल। आई एम सॉरी। आइएगा जरूर, अब सिग्नेचर लेने। हाथी जी, बेहतर होगा अगर आप पेंटिंग का जिक्र मेरे सामने कभी ना करें। आप नहीं जानती मुझे कितनी तकलीफ होती है। क्या आपको वाकई मेरा डांस इतना पसंद आया? नहीं, मेरा मतलब है कि फोन पे आपने इतनी तारीफ कर दी कि आपने मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं की। ये तुम्हारे एग्जीबिशन की नाकामी, पद्म सिंह का रिव्यू, ये एक सोची समझी साजिश। साजिश? नहीं नहीं, दैट्स नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों होगी साजिश और कौन करवाएगा? ऐसा पेचीदा मगर स्मूथ ड्रामा तुम्हारे बाबूजी के अलावा और कौन खेल सकता? कमल अंकल, माँ प्लीज, माँ प्लीज। नहीं कह दिया ना? क्यों? बस माँ, आप इजाजत ले सकती है। माँ प्लीज। माँ नहीं बाबा, नहीं। माँ मैं कोई छोटी बच्ची तो नहीं हूँ कि मैं हर बार बाहर जाने के लिए इजाजत लेनी पड़े मुझे। तेरे बाबूजी के हुक्म के खिलाफ इस घर का पत्ता भी नहीं हिल सकता, तुझे उनकी इजाजत लेनी पड़ी। अगर उन्होंने नहीं दी तो? तो मत जाना। माँ नीता मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो हर साल मेरे बर्थडे पार्टी पे आती है और मैं नहीं जाऊँ तो यू डोंट अंडरस्टैंड। तो उनसे जाकर कह देना ना, शायद इजाजत दे दे। माँ क्यों ना आप इजाजत ले ले मेरी तरफ से। कोई और बात होती ना तो मैं कह भी देती, लेकिन तुझे बाहर भेजने के बारे में बात करते हुए मुझे भी घबराहट होने लगती। क्या मुसीबत है? माँ बेटी के बीच में क्या खुसर फुसर हो रही है? कोई समस्या अटक गई है क्या? तुम नहीं समझोगे। अरे दुनिया में ऐसी कौन सी बात है जो कुप्पी माया नहीं समझ सकते हैं? कुप्पी के पास एक ऐसी कुप्पी है कि एक कतरे तेल से दुनिया की कोई भी बंद मशीन शुरू हो जाती है। आपको अपनी मशीन चलवानी है तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी मिलेगी। चुका दूंगी, चुका दूंगी, चुका दूंगी ना। फिर बताओ समस्या क्या है? बाबूजी से परमिशन चाहिए नीता के बर्थडे पार्टी के लिए। दिलवा दूं? मामा, I love you, मामा, please, मामा। अच्छा, तो फिर कीमत डबल होगी। लेकिन हाँ, एक बार याद रखनी पड़ेगी आपको, कीमत जो है उधार नहीं नकद चुकानी पड़ेगी, समझ गए? बेवक्त पैर दबा रही हो तुम, क्या बात क्या है, क्या चाहते हो? जी मैं कुछ भी नहीं चाहता, बस कई घंटों से आपकी खिदमत नहीं की थी, मुझे लगा आपके पांव थक गए होंगे तो मैंने कहा चल के थोड़ी सी खिदमत कर रहा हूँ, आपकी खिदमत कर रहा हूँ। क्या चाहते हो, सच सच बताओ, क्या बात है? सिर्फ आपकी खिदमत। अरे बताओ तो। बाबा सिमरन बिटिया है ना,
वो अपनी सहेली के जन्मदिन की पार्टी में जाना चाहती है, उससे आपकी इजाजत चाहती है बस। नहीं, हमें ये लेट नाइट पार्टीज बिल्कुल पसंद नहीं। बाबा वो नीता उसकी बहुत ही निकट की सहेली है, तो उसे जाने दीजिए ना। हमने कह दिया ना, ये लेट नाइट रात की पार्टियां हमें बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं बाबा, अगर बिटिया को मैं अपने साथ ले जाऊं और साथ ही वापस ले आऊं, तब तो आपको कोई एतराज नहीं होगा। तुम साथ रहोगे उसका? बिल्कुल, साई की तरह। ध्यान रखोगे उसका? जी हाँ, आप पीछे भरोसा कर सकते हैं। साई जल्दी वापस ले आओगे? जी। ले जा। बदमाश। मैंने कहा ना मैं दे दूंगी, माँ से कहो ना। अरे उसने कह दिया ना कि दे देगी, कह दो ना। अच्छा तो फिर सुनो, परमिशन मिल गई। मगर बाबूजी की एक शर्त है। सब मंजूर है। कुप्पी आपके साथ पार्टी पे जाएगा। क्या? कुप्पी मेरे साथ पार्टी पे आएगा? माँ मेरी सारी सहेलियाँ मुझ पर हंसेंगी। अरे तो फिर ठीक है, हम कह देते हैं कि आपको शर्त मंजूर नहीं है। नहीं नहीं नहीं, कभी कभी सुन मेरी बात, माँ मैं क्या करूँ माँ। अरे भाई, हम पार्टी के बाहर बैठे रहेंगे, हमने कब कहा कि हम पार्टी के अंदर जाएंगे। ठीक ही तो कहता है। लेकिन वो अब क्यों मुंह लटका के बैठी है? परमिशन मिल गई ना। हाँ, कुप्पी के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम गुल चाचा। वालेकुम अस्सलाम। तुम यहाँ रो क्यों रहे? गुल चाचा, एक फरियाद लेकर आपके पास आया हूँ। बोलो। आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। बोलो ना। आज सुबह खबर मिली है कि अचानक मेरे वालिद का इंतकाल हो गया। मैं उनकी इकलौती औलाद हूँ, अगर उनके जनाजे का कंधा नहीं दे पाया तो हमेशा अपनी बदनसीबी को अफसोस रहेगा। वहाँ जाने में तेरे को तकलीफ क्या है, दिक्कत क्या है कि दफ्तर से छुट्टी नहीं मिलता है? मैं तो नौकरी छोड़कर भी चला जाऊंगा, लेकिन क्या मेरे पास किराए के पैसे नहीं है। आप तो जानते हैं कि मैं एक मामूली गरीब आदमी हूँ, लाख कोशिश पर भी बचत नहीं कर पाता। हेलो, कोई बात नहीं, तू बैठ, मैं भी आता हूं। हेलो पुत्र, जा। गुल चाचा, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। ओए एहसान लंबिया कमानो, वो बंदे का क्या औकात है कि किसी दूसरे बंदे पे एहसान करे। चल जा जा जा। अच्छा गुल चाचा, खुदा हाफिज। और जा ना, दफा हो ना, वक्त क्यों जाया कर रहा है। बाबा जान मुबारक हो। वो किस बात का मुबारक पुत्र? बाबा जान, हज वीजे की मंजूरी मिल गई है। मैं सब कुछ कंफर्म करके आ रहा हूँ, बस सिर्फ पैसे जमा करने बाकी हैं। आप मुझे वो जल्दी से पैसे दे दीजिए, मैं उसका भी ड्राफ्ट बनवा देता हूँ। उसका जरूरत नहीं है पुत्र, मैं आज करके वापस आ गया, अब
कबूल करना, ये उसका मर्जी। तू जा। लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। और तू नहीं समझ सकता, जा 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 जा। बेटे आज की बोर्ड मीटिंग का एजेंडा क्या था? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। बाबूजी आपने मुझसे कुछ कहा? हाँ, आज की बोर्ड मीटिंग कैसी रही? एज यूजुअल बाबूजी। वो नए प्रोजेक्ट का टेंडर चला गया? जी। तुम कुछ खोए खोए से हो, क्या सोच रहे हो? नहीं बाबूजी, कुछ भी तो नहीं, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। ठीक तो नहीं लगते हो, तुम कहीं खोए हुए हो। नहीं माँ, यूं ही कुछ सोच रहा था। डाइनिंग टेबल पर सोचना नहीं चाहिए, सूप पियो। जी बाबूजी। हेलो। हेलो आरती जी। विशाल जी, आप सो तो नहीं रही थी? पता नहीं कि मैं सोते में जाग रही थी या फिर जागते में सो रही थी। आपकी बातें पहेलियों से कम नहीं, पर अफसोस मुझे पहेलियां समझ में नहीं आती। क्या आप दिन में सपने नहीं देखते? सच कहूं, आजकल मैं दिन रात सोते जागते सपनों की दुनिया में तो रहता हूं। कैसी है आपके सपनों की दुनिया? आसमान में एक बहुत बड़ी गैलरी है जिसमें पोर्ट्रेट्स ही पोर्ट्रेट्स, अलग अलग रंग के, अलग अलग अंदाज के, मगर ये अलग अलग अंदाज, अलग अलग रंग एक ही चेहरे के हैं। किसका है ये चेहरा? मुझे नहीं मालूम, मगर जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है। गुड नाइट आरती जी। गुड नाइट। किस चिंता में डूबे हैं आप? यही कुछ नहीं। कितनी बार कहा है आपसे कि अब कारोबार की चिंता करना छोड़ दीजिए और सिर्फ अपनी सेहत की फिक्र कीजिए। तुम्हें किसने कह दिया कि हम कारोबार के बारे में चिंता कर रहे हैं? बहुत दिनों से देख रही हूँ कि आप मेरी तरफ देखते तक नहीं, थोड़ा सा वक्त मुझे भी दिया कीजिए। तुम्हें सचमुच में ऐसा महसूस होता कि हम तुम्हारी तरफ देखते भी नहीं है? अरे पल्ली, सब कुछ तो तुम्हारा है, सब कुछ। दरअसल हम विशाल के बारे में सोच रहे हैं। विशाल के बारे में चिंता करना छोड़ दीजिए, उसने पेंटिंग्स छोड़कर अपना फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया है। आप जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ, अब आप बेफिक्र रहिए। ऐसा ही है कि जैसे हमने चाहा वैसे ही सब कुछ हुआ, लेकिन हमें चिंता कल की है। अभी से? चिंता हमेशा वक्त से पहले होनी चाहिए ताकि आने वाले खतरा को टाला जा सके। हे भगवान, अब कौन सा खतरा आ गया? तुम नहीं समझोगी, तुम माँ हो, तुम्हारे लिए वो अब भी मुन्ना है। गायत्री, हमारा विशाल जवान हो गया है, अब वो जिंदगी के एक ऐसी मोड़ पर पहुंच गया जहां पे उसे एक साथी की जरूरत है। हाँ, देखते ही देखते वक्त कैसा गुजर गया पता ही नहीं चला।
और अब बहू लाने के दिन आ गए तो फिर जाओ, एक अच्छे खानदान की लड़की उसके लिए लेकर आओ, हमारे बराबरी के खानदान की लड़की उसके लिए लेकर आओ। पहले विशाल से तो पूछूं कि उसको कैसी लड़की चाहिए। क्यों, हमसे तो किसी भी नहीं पूछा, हमारे माँ बाप ने हमसे कहा कि भाई आपसे शादी कर लें, हमने शादी कर ली, हमने आपको स्वीकार किया, आपने हमें स्वीकार किया, यही हमारे घर की परंपरा है और इसे विशाल भी निभाएगा। तुम्हारी सहेली की पार्टी तो बहुत अच्छी थी, तुम्हारी सहेली भी अच्छी थी, उसने मुझे अपने हाथों से केक खिलाया। हाँ नीता अच्छी तो है ही, खुशकिस्मत भी है, उसे घूमने फिरने की आजादी है, जहाँ चाहे जब चाहे जा सकती है, मेरी तरफ बॉडीगार्ड लेकर नहीं घूमती। अरे तो इसमें तुझे इतना बुरा मानने की कौन सी बात है? तुम नहीं समझोगे कुप्पी कि आजादी क्या होती है, बोलने की, सोचने की, फैसला करने की आजादी, अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीने की आजादी। कभी कभी मैं सोचती हूँ काश मैं एक परिंदा होती, जहाँ चाहे जब चाहे उड़ जाती, या बादल होती, या फिर हवा का झोंका होती, कुछ भी होती, लेकिन शमशेर राज की बेटी ना होती। शुभ शुभ बोल सिमरन, तुम्हारे पिताजी तुम्हें बहुत चाहते हैं, वो तुम पर जो पाबंदियां लगाते हैं वो तुम्हारी भलाई के लिए लगाते हैं। मुझे घुटन होती है इन जबरदस्ती की पाबंदियों से, मुझे इतने भी आजादी नहीं कि मैं अपने बाबूजी से खुलकर दो बोल बोल सकूं, मैं ऐसे प्यार नहीं मानती। तुम्हारे पिताजी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, इस बात से तुम इनकार नहीं कर सकती हो, आखिर वो तुम्हारे पिता हैं। पिता, गुल चाचा भी तो अहमद के पिता हैं, वो मुझे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करते हैं, वो कितना खुलकर बात करते हैं मुझसे, और मैं अपनी मन की हर बात उनसे कह सकती हूँ। काश बाबूजी भी ऐसे होते, कभी कभी मन की घुटन इतना दुख देती है कि जी करता है मर जाओ। ऐसे नहीं बोलते बेटा, जिंदगी बहुत प्यारी चीज है, इसे जीना सीखो। For every happening, there is a definite cause, isn't it, Aarti? Yes, that's very true, but आपको अचानक ये बात कैसे याद आ गई? मैं सोच रहा था मेरी एग्जीबिशन हमारी मुलाकात का एक बहाना थी, पहली बार हम वहीं मिले हैं। हाँ आरती, जब ये बात सोचता हूँ तो एग्जीबिशन की नाकामी को भूल जाता हूँ, सब कुछ जल गया, सब कुछ जल गया आरती, लेकिन उस राख से एक खूबसूरत फूल खिला है, मैं वो फूल तुम्हें देना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मुझसे शादी करोगी? तुम्हारी खामोशी का क्या मतलब समझूं? इतने अहम फैसले इतनी आसानी से नहीं किए जाते विशाल। जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम ही वो लड़की हो जो मेरी कंप्लीट और सही जीवन साथी बन सकती है। Now you're being emotional. इमोशन से ही तो जिंदगी कितनी खूबसूरत है, बिना इमोशंस और फीलिंग्स के जिंदगी कितनी बेरौनक और फीकी पड़ जाती। लेकिन कभी कभी इमोशंस हमें अपनी राह से भटका देता है। मुझे अपनी जज्बात की परख और गहराई पर पूरा भरोसा है, मैंने सही फैसला किया है। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे और मेरे स्टेटस में कितना फर्क है? तुम एक अमीर घराने की लड़की हो और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की हूँ। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम्हारे फैमिली को पड़ेगा,
वो इस रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेंगे। अपनी खुशी का वास्ता देकर मैं उन्हें मना लूंगा और मुझे यकीन है वो मान जाएंगे। आखिर मैं उनका इकलौता बेटा हूं। मैं तुम्हारी मंजूरी जानना चाहता हूं, क्या तुम्हें ही रिश्ता मंजूर है? तुमने फैसला कर ही लिया है तो मुझसे क्यों पूछते हो? क्या हुआ माँ, ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ ये सुंदर सा मुखड़ा दुल्हा होने के बाद कैसे खिल उठे। अरे वाह माँ, तुमने तो कमाल कर दिया, मेरे मन की बात बिना बताए जान ली। सच मैं जल्द से जल्द दूल्हा बनना चाहता हूँ। मैं जल्दी से जल्दी तेरे लिए लड़की ढूंढ निकालूंगी, आजकल इसी काम में लगी हुई हूँ। पर बेटे मुझे थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, चांद जैसे दुल्हन आसानी से तो नहीं मिलती ना। दुल्हन तो मिल गई है माँ। क्या? हाँ, वो चांद से भी सुंदर है, परियों से ज्यादा प्यारी है। तो किसकी बात कर रहा है विशाल? तुम्हारी बहू की। मैंने तुम्हारे लिए बहू ढूंढ ली है। बहू? बहू ढूंढ ली है? लेकिन वो है कौन लड़की? उसका नाम आरती खन्ना है। और क्या? वो किस परिवार की है, उसके खानदान का अता पता क्या है, उसके पिताजी का नाम क्या है? अरे हाँ हाँ माँ, तुमने तो पूरा इंटरव्यू ले डाला। शादी के रिश्ते में ये सब बातें जरूरी है बेटी। माँ मैं तो बस इतना ही जानता हूँ कि आरती एक शरीफ, समझदार और टैलेंटेड लड़की है। उसके पिताजी पेंटर थे पर अब गुजर चुके हैं। बस माँ वो हमारी तरह दौलतमंद तो नहीं है पर उसका दिल सोने जैसा खरा है। माँ तुम चुप क्यों हो गई? तुम्हें तो खुश होना चाहिए, मुझे मेरी मनपसंद लड़की मिल गई है। तेरी पसंद से खुश नहीं होगा बेटे, तेरी बाबूजी को पसंद होनी चाहिए। वो तुम्हारा काम है माँ, प्लीज। मैं जानता हूँ तुम्हारे अंदाज से जब तुम उन्हें मनाओगी तो मान जाएंगे। मैं वादा नहीं कर सकती बेटी, लेकिन कोशिश जरूर करूंगी। माँ आरती ही मेरी सही जीवन साथी बन सकती है, उसके बिना मेरी जिंदगी नामुकम्मल रह जाएगी। क्या तुम चाहते हो कि अपने इकलौते बेटे के साथ ऐसा हो? भगवान न करे ऐसा कुछ हो। मैं वादा करती हूँ बेटे, तेरे बाबूजी को मनाने के लिए मैं कोई कसर नहीं रखूंगी। थैंक यू। तुम्हें ऐसी बहू मिलेगी कि तुम्हें अपनी किस्मत पर नाज होगा।